ये है मुजफ्फरपुर की नई बहू, मुंगेर की बेटी है, मुजफ्फरपुर की नई बहू है, नई नई शादी हुई है। अभी तक इन्होंने इस शहर को अच्छी तरह से जाना भी नहीं है, लेकिन इनके ससुराल वालों ने इनके साथ बहुत ही बदसलूकी की है। मामला काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके का है, जहां इनके जेठ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी ने इनके साथ बदसलूकी की और मारपीट की। सर, फर्स्ट दिन तो मेरे साथ गाला गाली किया गया था, फिर भी मैं सोच रही थी पति कल निकल जाएंगे, तो गाला गाली ठीक था। तो एक रात में दरवाजा खोलकर सोई थी, तो मेरी भैंसुर आकर मेरे जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मेरी मम्मी थी और अगल बगल के लोग भी चिल्लाई तो वो भाग गए थे। फिर मुझे रोज गाली दिया जाता था, रोज आधा दिन तो मेरा कोर्ट में ही बीतता था। उनको निकालने के चक्कर में मैं बेल करवाने जाती थी, वो रिजेक्ट कर देते थे, नहीं सर बेल नहीं हुआ है। फिर मुझे बाहर से ताला लगा दिया गया था कल घर में, मैं सारा दिन दोपहर में लॉक थी, तो समाज को सामने रोई थी, तो समाज आकर ताला खोला है। आप शिकायत को लेकर काजी मोहम्मदपुर थाना गए थे? हाँ गए सर, वहाँ कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। क्या कहा गया? वहाँ कहा गया जाओ पहले तुम इलाज करवाओ, तुम कहाँ की हो, तुम किस संग शादी करके। तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं तो अभी एक महीना पहले ही अपने मायके से आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। मायके कहाँ है आपका? सर मुंगेर। मुंगेर में कहाँ? शादीपुर। क्या नाम है? अमित कुमार। अमित कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? अभोरिया बाजार। किस टूर में पति आपके? सर ये भी मुझे ठीक ठीक मैं नहीं हूँ, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। इतना पता है कि उनको रॉबरी केस कुछ ऐसे में ऐसे करके उनको फंसाया गया है, और बेल करवाने जाती हूँ तो रोज बेल को पैसा देकर रिजेक्ट किया जा रहा है बेल। फिर आज सर जो पैसे दे रहे हैं सर, मेरे भैंसुर ही है, सिर्फ मनीष कुमार नाम है उनका। आज क्या हुआ आपके साथ? आज सर आज मैं आई यहाँ से, उनसे मिलकर आई थी सवेरे से, तो वो लोग मुझसे लड़ाई कर रहे थे, मैं देख रही थी जमीन पूरा घेर रहे हैं, पूरा लड़ाई कर रहे थे, तो मैं मना कर रही थी, मैं समझा रही थी भैया मत कीजिए भैया मत कीजिए। तो उनकी पत्नी पहले मुझे एक चाटा मारी, तो उनकी बेटी आई ना हाथ में लेकर कुछ, मैं बोली मैं भैया से बात ही कर रही थी, तो मैं इतने बोली कि आप मुझे गाली क्यों दे रहे, अगर मैं देना स्टार्ट करूँगी तो उसने बोले तुम मेरी मम्मी को गाली दोगी, और धड़ाधड़ मुझ पर वार करती गई। क्या नाम है आपका? नई दुल्हन के मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी हरप्रीत कौर ने मामले की जांच करने का आदेश दे दिया है। है कि उसका पति जो बताया गया कि जमीनी विवाद में या उसके दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया था, उसमें जेल में है, लेकिन उसका कहना था कि जो उसके भैंसुर हैं या बाकी अन्य जो ससुराल के लोग हैं उसके साथ मारपीट किए हैं। मेरे पास आई थी तो हमने उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया है, और टाउन थाना को डायरेक्ट कर दिया कि वहां से फर्द बयान लेके, और एसएचओ काजी मोहम्मदपुर को भी बोल दिया है कि उनका फर्द बयान लेके तुरंत इसमें एफआईआर करेंगे और जो भी कानूनन कार्रवाई उसमें करेंगे। थैंक यू।